आकर भाई टॉस अभी कुछ ही देर में होगा, हम देख रहे हैं पिच रिपोर्ट, हमने देखी और बड़ी डिफरेंट पिच नजर आई जो भारतीय बेसिकली स्पिन बनाते हैं अपने पिचेस। हमने देखा कि जब ओपोजिशन डिफरेंट आई है तो आज फिर वो ग्रास भी नजर आ रहा है। और क्या लगता है क्या डिसीजन होगा जो भी टीम टॉस जीतेगी और क्या टोटल देखते हैं आप और कस्टमाइज पिच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आईसीसी प्लस बीसीसीआई कस्टमाइज पिच। देखिए एक तो एडवांटेज है तो वो फायदा तो उठाएंगे, उसी तरह उन्होंने वेन्यूज रखे हैं। हां जी, आज इंडिया खेलेगा दिल्ली में अगेंस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान खेलेगा चेन्नई में अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप इंडिया से छीनना बहुत मुश्किल हो। जिसने भी छीनना है अपनी गेम को बढ़ा के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल, क्योंकि पिचेस चीजें उनके हाथ में है। इस पिच के ऊपर जो पिच नजर आ रही है इसके ऊपर तो अफगानिस्तान का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास एक ही चीज है जिसके ऊपर वो किसी को थोड़ा अंडर प्रेशर कर सकते हैं, वो स्पिन बॉलिंग। तो जिस तरह का ग्रास नजर आया है उसमें ग्रीन ग्रीन भी है तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि जिस तरह की इंडियन फास्ट बॉलिंग भी है जी, बुमराह है उसके साथ, वो जो सिराज है, पांड्या है, वो जिस तरह से वो मूव हो रहा है आज आप देखेंगे कि एक पेस बॉलर खिलाएंगे वो एक्स्ट्रा, अश्विन को हो सकता है ना खिलाएं क्योंकि इस पिच के ऊपर यू डोंट नीड थ्री स्पिनर्स। जडेजा है आपके पास, शार्दुल ठाकुर भी उनके पास है, ठाकुर के आने के चांसेस हैं। मैं तो कहूंगा कि ठाकुर का भी आप क्यों डर रहे हैं बैटिंग से, शमी को खिलाएं, शमी को खिलाएं और बॉलर तो है एटलीस्ट इसके ऊपर तो 200 के अंदर आउट करना चाहिए इंडियन को अगर पहले बैटिंग करती है। अच्छा थोड़ा सा अगर सिराज की सक्सेस देखें हम, ऑब्वियसली बुमराह को हम पता है कि सब तरह की उसके पास वैरायटी है, उसके बाउंसर भी अच्छे करता है, यॉर्कर भी है, बट सिराज की सक्सेस देखें तो शुरू में हम जब आया था ये एक नॉर्मल मीडियोकर बॉलर लगा, बट ग्रेजुअली इसने स्विंग भी इंक्रीज की और सबसे बड़ी जो सक्सेस लगी गुड लेंथ के ऊपर जो बॉल कंटिन्यूसली उस बॉक्स में हिट करता चला जाता है ये उसकी सक्सेस रही। और उसमें थोड़ी सी भी इसको सीम स्विंग मिलती है तो ये अनप्लेएबल हो जाता है। कैसे देखते हैं? देखो ये प्रॉपर सीम बॉलर है, अच्छी कंसिस्टेंट सीम लगती है और जहां भी आप ना एज बॉलर आप देखते हैं कुछ बॉलर्स होते हैं उनको कंडीशन मिल जाए फिर एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आज आपकी परफॉर्मेंस ना आए। अगर रिवर्स है तो फिर आपका जो मेन बॉलर मिडल में जो है हारिस है या बुमराह है फिर उनको उड़ा देनी है टीम। और जहां सीम बॉलर्स को अगर अच्छी पिच मिल गई है जैसे आज वाली पिच है मैं तो ऐसी ख्वाब में देखता हूँ फिर आपने नहीं छोड़ा। भारत में अगर ऐसी पिच मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए और भारत ने काफी तैयार की। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।